अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो आज की गेम प्ले में आपको ज़्यादा ना एक भी टिप्स नहीं मिलेगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे उतरते ही मुझे एक कैंपर मिल गया जिसने मुझे मार दिया। और वैसे भी मेरे पास अच्छी खासी रूट नहीं थी, और ये कैंपर बेचारे कैंपर और हैकर ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं। और अभी एंडियन के लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि BGMI में बहुत हैकर हैं, लेकिन PUBG मोबाइल में हैकर नहीं है, लेकिन कैंपर बहुत ज़्यादा हैं। वो BGMI में कम है, लेकिन PUBG मोबाइल में कैंपर ज़्यादा हैं। हैकर कैंपर दोनों ही एक इंटरनेट चीटिंग करते हैं भैया। एक सामने से आता है फिर भी मार जाता है, क्योंकि वो हैक यूज़ करता है। एक वही हैक यूज़ नहीं करता है, लेकिन पीछे से मार लेता है, तो ये भी दिक्कत की बात है। और पोचिंग की मैं उतरते ही सबको M4 AK मिल जाए, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो क्या करें भाई। शॉटगन मिला है, दोनों शॉटगन, तो शॉटगन से अब क्या कर सकते हैं। आगे कोई कैंपर है, हैकर है, उसके आगे शॉटगन नहीं चलता है भाई। तो शुक्र है यूजी मिल गई हमें, और वैसे हम मूव हैं, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी प्रो हो जाएंगे। यहाँ पे दो तीन बार फायर भी हुआ, लेकिन मेरे पास शॉटगन थी, तो मैंने बोला भाई शॉटगन से रश करूँ और मर जाऊँ, उससे अच्छा है कि गन ढूंढ लूँ पहले। और मुझे पता है ये बोट फायर कर रहे थे या फिर बोट थे ये नहीं पता था, लेकिन कोई बोट फायर कर रहा था ये पता था। फिर वो रेयर में बोट था या रेयर पसंद था वो मुझे नहीं पता था। और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करना ना भूलें प्लीज़, शेयर से व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब से भी हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर मोटिवेशन मुझे मिले या कोई गेमर को मिले, तो वो अच्छी तरह से मेहनत से करते हैं और वो जल्दी प्रो बनेगा। आप भी चाहते हैं कि मैं प्रो बन जाऊँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट मैं अपने यहाँ लाए ज़रूर दिखें। तो यहाँ पे मैं पोचिंग की गलियों में घूमता हुआ था कि कुछ गन मिल जाए, लेकिन यहाँ पे कोई गन नहीं मिली मुझे। और ये पीपी पता नहीं कौन सा गन है, ये मुझे पसंद है, या मैंने कहा शॉर्ट गन ही इससे अच्छा है, ऐसे गन से शॉर्ट गन अच्छा है। एक बार मेरे पास शॉर्ट गन थी, मैंने उसे छोड़ के ये पीपी या ऐसे ही कोई गंदा गन उठा लिया, फिर आगे शॉर्ट गन वाला आया, मैं उसे एक भी एमओ नहीं लगा पाया, उससे पहले वो ठाक करके मार दिया। तो अभी मैं समझता हूँ कि ऐसे छोटे मोटे गन से अच्छा है शॉर्ट गन है, क्योंकि एक अगर आपकी एम अच्छा है तो आप शॉर्ट गन ज़रूर उठाएँ, क्योंकि पहले शॉट में वो मर जाते हैं, लेकिन अगर आपका शॉट नहीं लगा तो वो लड़ करके आपको छोड़ेगा नहीं। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एम थोड़ा अच्छा है, तो मैं शॉटगन भी चला लेता हूँ, लेकिन कोई AR मिल जाए तो शॉटगन को मैं छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि AR फिर भी AR है। और यहाँ पे मेरे पास एयरफोन्स नहीं थे, एयरफोन्स होते हैं ना तो मुझे पता चलता, वो फुटस्टेप दे रहा था, लेकिन फुटस्टेप में क्या पता कि वो कहाँ है। अगर एयरफोन्स होते मेरे पास तो वो शायद मैं उसे माल देता, पर मेरे पास अब एयरफोन्स नहीं थी। अब जब खेलूँगा ना एयरफोन्स लगा के खेलूँगा भैया, ये कैंपर से डर बहुत डर गया मैं अब से। और मैं दया और अभिजीत की तरह हर घर को छान मारता हुआ कि कोई M4 कोई AKM कोई बैरल मिल जाए, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो क्या करें, फिर मैंने सोचा है कि अब रश ही कर लेते हैं पूरा पोचिंग की, मैं कोई नहीं उठला आज, पता नहीं क्यों। नोवो हॉट ड्रॉप था ना आज, सब उतर गए। और यहाँ पे मैं एस्ट्रंट दिखाता हुआ मुझे बहुत फनी लगा ये। और यहाँ पे फाइनली मुझे AKM मिल गया, जिसे लेके मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि AKM भी वन ऑफ माई फेवरेट गन है। फिर यही मैं और छान मारा था कि कोई भाई M4 मिल जाए, कोई अच्छी गन मिल जाए, ये भी अच्छी है। लेकिन आगे दूसरी तरफ यूजी भाई क्लोज रेंज में गॉड है, लेकिन एक ही सेकंड में सारी गोलियां जाती हैं ना, फिर गड़बड़ हो जाती है, उससे अच्छा है कि कोई और गन है। और यहाँ पे एक गाड़ी आई, तो मैंने सोचा अब रश ही कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास सेलफोन्स नहीं थे, तो शायद वो मुझे रश करके मार ही देता, तो उससे अच्छा मैं रश ही करूँ। और यहाँ पे पता नहीं क्यों मेरा बार बार प्लोन का बटन दब रहा था। यहाँ पे मैं आसपास चेक कर रहा था कि कहीं स्क्वाड हाउस वगैरह में वो हैकर तो नहीं है,
हैकर सॉरी, वो बंदा जो गाड़ी पे आया ना वो हो गया, उसका डॉस वगैरह मैं तो नहीं रुका, लेकिन फिर देखा है कि भैया वो तो आगे वाले घर पे रुका है। तो मैं ऊपर चला रहा था कि देख सकूँ कोई एंगल मिले तो मार सकूँ, यहाँ से कोई एंगल नहीं मिला था और हमने ये UMP ले ली और कोई गन नहीं है। यूजी से तो अच्छा है, डैमेज अच्छा नहीं है लेकिन फायर वगैरह। और ये कांच क्यों पता नहीं क्यों पबजी मोबाइल नहीं है ये कांच लगा दिए, और सामने देखता हुआ वो सामने, और यहाँ पे फायर हुआ तो देखा चर्च के साइड में वो बंदा है उससे मारा। पहले मैंने सोचा कि मैं इसे मारता नहीं होता कि सामने वाले बंदे को पता ना चले कि यहाँ पे कोई है, मैं अच्छे से पीछे से मार दूँ उसे। लेकिन फिर मैंने कहा कि भैया हम कैंप नहीं करते, हम इसे मार ही देते हैं कोई किल मिल जाए। और हाँ मैं भूल गया है कि मैंने शुरू में बोला कि मेरा कोई किल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एक किल मिला हो गया। इसके बाद मैं स्क्वाड उसके छत पे चला था कि मैं मुझे व्यू मिल जाए कि मैं उसे मार सकूँ, कोई एंगल मिल जाए। इधर उधर गया लेकिन सामने भाई ये दरख्त था तो क्या ही कर सकते हैं। मैंने वॉलम वगैरह फुल की मोबाइल की, लेकिन फिर भी एयरफोन से पता नहीं चलता कि कहाँ है। और वो फिर मुझे कॉल पर भी पता नहीं क्या नाम है गाड़ी का, वो दिख तो मुझे कंफर्म हुआ ये वहाँ। और मुझे ये नहीं पता था कि इससे भी पता होगा कि मैं यहाँ हूँ। मैंने देखा है कि भाई वो उधर है, तो मैंने ग्रेनेड खींचने की कोशिश की, देखा कि भैया वो भी ग्रेनेड फेंक रहे। मैंने कैंसिल करके भाग ही रहा था, शुक्र है कि मैं दीवार के उस तरफ था वरना मैं मर जाता। भागने वाला था कि वो उसने फेंक दी, और मैं इस तरफ आया क्योंकि वो लगातार 2-3 बार ग्रेनेड फेंक दिया। और इस बार मैं ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, लेकिन भाई कोई एंगल नहीं मिला था, तो मैंने कैंसिल कर ली। और फिर मैंने सोचा कि ये ग्रेनेड नेट वाली को छोड़ो और रश करो, यहाँ से मैं ऊपर फेंकता तो आराम से हो जाता, लेकिन फिर 2 सेकंड में मेरे ऊपर ही फेंक देता तो मज़ा नहीं आता। तो उससे अच्छा है कि रश कर लेते हैं, यहाँ पे भी मुझे अच्छा एंगल नहीं मिला। नहीं ये मैंने फेंका लेकिन टाइम कम होने की वजह से ये ऊपर ही फट गया। ग्रेनेड में यही एक डिसएडवांटेज है कि आप सेट जब तक करो तब तक वही सेकंड्स निकल जाते हैं। और फिर मैंने कहा रश करूँ, और यहाँ मेरा पता नहीं क्यों ग्रेनेड फेंकने का मन नहीं था, तो इसलिए मैं मर गया वरना शायद मैं ऐसे मार देता। और यहाँ पे देखो फुट स्टेप भी हैं, अगर एयरफोन होता तो आराम से मुझे पता चल जाता है कि भाई वो कहाँ है, फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर पे है। लेकिन फिर क्या करें भाई, भूल गया एयरफोन तो लगाना, मैं वैसे ही खेल गया। लेकिन फिर ये वीडियो मैं इसलिए डालूँ यूट्यूब पर क्योंकि कैंपस की वजह से, और मैं यहाँ पर ऑलरेडी देखा था, मुझे लगा ये कैंपस ही होगा, लेकिन ये देखो भाई साहब क्या करें कैंपस का क्या करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।